हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैव मोर किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही कबाब रेसिपी। दही कबाब एक स्टार्टर है जो रेस्टोरेंट आदि में काफ़ी सर्व किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं दही कबाब की आपको ऐसी आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे फॉलो करके आप घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल के दही कबाब बना पाएंगे। दही कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गाढ़ा दही, जिसे कॉटन के कपड़े में रखकर बांध दिया है और उस पर भारी वजन रख दिया है। 4-5 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। ऐसा करने से दही का सारा पानी निथर जाएगा और ये हंकट तैयार हो जाएगा। 4-5 घंटों के बाद हमारा हंकट तैयार है। इसमें मैंने डाला है पनीर, कटा बारीक प्याज, हरी मिर्च, कटी अदरक, कटा हुआ पुदीना, काजू, किशमिश, नमक, काली मिर्च, जीरा और थोड़ा कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। आपके पास कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च दोनों में से जो भी हो आप उसे डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा रोस्ट किया हुआ बेसन। अब इन सबको मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ पर इस मिश्रण से मैंने बोल बनाकर उसे थोड़ा सा दबा के टिक्की का शेप दिया है। टिक्की को चारों ओर से ब्रेड क्रम्स में घुमाकर अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स से इसे कवर कर लिया है। इस तरह मैंने सारे दही कबाब बना लिए हैं और इन्हें आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। आधा घंटा होने के बाद कढ़ाई में तेल डालकर उसे अच्छा गर्म करना है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो फ्रिज से निकाले हुए कबाबों को डालना है और धीरे धीरे जेंटली इन्हें फ्राई करना है। इनको ज़्यादा पलटना या घुमाना या इन्हें टच नहीं करना, नहीं तो ये दही कबाब तेल में फैल जाएंगे। इन्हें जेंटली आप इन पे तेल डालते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई करें। इस तरह मैंने यहाँ पर सारे दही कबाब को फ्राई कर लिया है। दही कबाब हरी चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है धनिया, थोड़ा पुदीना, नमक, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, नींबू का रस और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा पानी डालकर इसे मैंने पीस लिया है। ये हरे धनिया की चटनी हमारी तैयार है। फ्राई किए हुए कबाब को हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। भी अपने घर पर दही कबाब बनाने की कोशिश करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके दही कबाब कैसे बने। यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।